नवंबर 2023 की बात है। लाहौर शहर बल्कि पूरे पाकिस्तानी पंजाब, इसी तरह दिल्ली और पूरा इंडियन पंजाब शदीद स्मॉग की लपेट में है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 4 दिन के लिए कोविड-19 की तर्ज पर उसी तरह के लॉकडाउन की अनाउंसमेंट की हुई है कि लाहौर शहर को 9 नवंबर से 12 नवंबर तक तमाम एजुकेशनल, गवर्नमेंटल और बिजनेस एक्टिविटीज के लिए बंद रखा जाएगा। क्या आपने कभी सोचा कि इस धुंध या स्मॉग की कंपोजिशन क्या है, या दुनिया में शहरों की एयर क्वालिटी कैसे मेजर की जाती है और किन वजूहात की बिना पर एशिया के शहरों की एयर क्वालिटी इंडेक्स दुनिया की 32 इंडेक्सेस में शुमार होती है, या जो हम पानी पी रहे हैं ये पीने के काबिल है भी कि नहीं। इनका जवाब जानते हैं इस वीडियो सीरीज के अंदर। हेलो और अस्सलाम वालेकुम मेरे क्यूरियस फेलो लर्नर्स, फ्यूचर के इनोवेटर्स। मैं हूं डॉक्टर राजा हाशिम अली। वेलकम टू द सीरीज एलिमेंट्स ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री, अ सीरीज जो कि आपके लिए इंफॉर्मेटिव भी होगी और होपफुली एग्जाम्स में हेल्पफुल भी। आज हम सीरीज का पहला पार्ट इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री देखेंगे। मेरे क्यूरियस फेलोज, हमने जो सवाल इंट्रो में पूछे उन सवालों का जवाब है सैंपल का केमिकल एनालिसिस, जिसके मेथड्स को डेवलप किया जाता है थ्रू अ फील्ड व्हिच इज कॉल्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री। लेट अस अनरेवल द मिस्ट्रीज ऑफ मैटर, द लैंग्वेजेस ऑफ मॉलिक्यूल्स। एनालिटिकल केमिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि कैसे आज की दुनिया में एनालिटिकल केमिस्ट्री इतना अहम किरदार अदा करती है। सो माय डियर लर्नर्स, एनालिटिकल केमिस्ट्री को समझने के लिए पहले हमें केमिकल एनालिटिकल मेथड और केमिकल एनालिटिकल एनालिसिस को समझना होगा। केमिकल एनालिटिकल मेथड वो मेथड है कि जिसको अप्लाई करके हम क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव कंपोजिशन मालूम कर सकते हैं अपने सैंपल का। क्वालिटेटिव यानी के सब्सटेंस की मौजूदगी, फॉर एग्जाम्पल क्या लाहौर की हवा के सैंपल में लेड मौजूद है या कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद है। और क्वांटिटेटिव यानी के सब्सटेंस की मिकदार मैयर करना, क्वांटिटी मैयर करना। फॉर एग्जाम्पल लाहौर की हवा के सैंपल में लेड की क्वांटिटी कितनी है, लेड की कितनी मिकदार मौजूद है। अगर हम मेथड्स की एग्जाम्पल लें तो उसमें गैस क्रोमेटोग्राफी, कॉम्बस्शन एनालिसिस और मास स्पेक्ट्रोमेट्री जैसे कुछ केमिकल एनालिटिकल मेथड्स हैं जिनसे के क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव एनालिसिस या दोनों किए जा सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, किसी नॉर्मल सैंपल पर किसी रूटीन एनालिटिकल मेथड से एनालिसिस परफॉर्म करना केमिकल एनालिसिस कहलाता है। जैसे मेरी लाहौर वाली एग्जाम्पल में अगर हम एयर क्वालिटी को मेजर करें तो उसको किया जा सकता है यूजिंग मास स्पेक्ट्रोमेट्री या गैस क्रोमेटोग्राफी, जो कि दोनों केमिकल एनालिटिकल मेथड्स हैं, मगर लाहौर की हवा की क्वालिटी मेजर करना केमिकल एनालिटिकल एनालिसिस कहलाएगा। सो माय क्यूरियस फेलोस, केमिस्ट्री का वो एरिया जो मैटर के कॉम्पोजिशन को कैरेक्टराइज करने वाले मेथड्स और टेक्निक्स की डेवलपमेंट से डील करता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाता है। इन सिंपल वर्ड्स, एनालिटिकल केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री कंसिस्टिंग ऑफ सेट ऑफ केमिकल मेथड्स एंड टेक्निक्स दैट कैन कैरेक्टराइज द कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर बोथ क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली। एस्टेब्लिश्ड एनालिटिकल मेथड्स को इम्प्रूव करना, मौजूदा एनालिटिकल मेथड्स को नए तरह के सैंपल्स के लिए डिप्लॉय करना और नए एनालिटिकल मेथड्स डेवलप करना ताकि हम केमिकल फिनोमेना को मेजर कर सकें, एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाता है। मसलन गैस क्रोमेटोग्राफी में इनोवेशंस या मजीद रिसर्च की वजह से जो अपडेट्स आएंगी ये एनालिटिकल केमिस्ट्री की डोमेन में आती है। माय क्यूरियस लर्नर्स, हम केमिकल एनालिटिकल मेथड के लाइफ साइकिल को 7 हिस्सों या स्टेजेस में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। इन स्टेप्स को समझने के लिए मैं गैस क्रोमेटोग्राफी के लाइफ साइकिल की एग्जाम्पल लूंगा और उसकी एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको ये 7 के 7 स्टेप्स समझाऊंगा। स्टेप 1 है कॉन्सेप्शन ऑफ एनालिटिकल मेथड यानी कि बर्थ। इस स्टेज में कोई केमिस्ट एक नया मेथड का आइडिया पहली दफा प्रपोज करता है। फॉर एग्जाम्पल गैस क्रोमेटोग्राफी का आइडिया आया जब किसी साइंटिस्ट ने ऐसी टेक्निक सोची कि जिससे वॉलेटाइल कंपाउंड्स को वेपर फेज के जरिए लहदा किया जा सके।
जो कि कोई भी एग्जिस्टिंग मेथड उस टाइम का ये नहीं करता था। स्टेप टू है एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द एनालिटिकल मेथड, यानी कि थ्योरेटिकल और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ से आगे लैब में प्रैक्टिकली प्रूफ करना कि एनालिटिकल मेथड प्रैक्टिकली काम करता है। गैस क्रोमेटोग्राफी के केस में इनिशियल एक्सपेरिमेंट्स ने दिखाया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एड्सॉर्बेंट मटेरियल के कॉलम से गुजारना बिल्कुल मुमकिन है और इससे सैंपल की कॉम्पोजिशन भी मालूम की जा सकती है। सो गैस क्रोमेटोग्राफी वर्क्स। स्टेप थ्री है एनालिटिकल मेथड की कैपेबिलिटीज को मालूम करना, उसकी स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस को समझना और उसकी सिस्टमेटिक तरीके से वेरिफिकेशन करना। रिसर्च ने साबित किया कि गैस क्रोमेटोग्राफी वोलेटाइल कंपाउंड्स के लिए बिल्कुल एक्यूरेटली क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजरमेंट्स कर सकता है, बट एट द सेम टाइम वो सब्सटेंसेस जिनका बॉइलिंग पॉइंट हाई है या जो हीटिंग से डीकम्पोज हो जाते हैं उनके लिए गैस क्रोमेटोग्राफी काम नहीं करता। इसी तरह आइसोमर्स को भी सेपरेट नहीं कर सकता। स्टेप फोर है वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस ऑफ द एनालिटिकल मेथड। इस स्टेप में लैब्स स्टार्ट टू अडॉप्ट द न्यूली डेवलप्ड मेथड फॉर वेरियस एप्लीकेशंस। जैसे ही वॉलेटाइल कंपाउंड्स के लिए गैस क्रोमेटोग्राफी की एक्यूरेसी और प्रिसीजन साबित हुई, दुनिया की बहुत सारी लैब्स और क्लिनिकल लेबोरेटरीज ने इसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लैब्स स्टार्टेड टू यूज गैस क्रोमेटोग्राफी फॉर एनवायरमेंट मॉनिटरिंग, फार्मास्यूटिकल्स एंड फॉरेंसिक साइंसेस। स्टेप फाइव है कॉन्टिन्यूड डेवलपमेंट ऑफ द एनालिटिकल मेथड। यहाँ पे हम अपने एग्जिस्टिंग मेथड को और बेहतर कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्सपेरिमेंट्स ने साबित किया गैस क्रोमेटोग्राफी के साथ कैपिलरी कॉलम्स का इस्तेमाल और बेहतर डिटेक्टर्स यूज करने से हमें बेहतर सेंसिटिविटी और रेजोल्यूशन मिल सकती है। स्टेप सिक्स है कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट साइकिल, जिसके लिए हर नई इनोवेशन को टेस्ट और वैलिडेट करना पड़ता है बाय यूजिंग स्टेप्स 3, 4 एंड 5। हर नई इनोवेशन से एक नया साइकिल स्टार्ट होता है जिससे एनालिटिकल मेथड में ज्यादा एक्सेप्टेंस और डेवलपमेंट होती चली जाती है। इन्हीं माइनर इंप्रूवमेंट्स की वजह से गैस क्रोमेटोग्राफी हैज सर्वाइव्ड सो फार इन लैब्स। फाइनली, किसी भी एनालिटिकल केमिस्ट्री मेथड की लाइफ साइकिल में वो वक्त आता है जिसको हम कहते हैं द एंड, यानी कि डेथ, जब इस मेथड के मुकाबले पे नए मेथड्स आ जाएं जिनसे कि एक्यूरेसी या सेंसिटिविटी या किसी और कैरेक्टरिस्टिक पे मुकाबला मुमकिन ही ना हो सके, करंट मेथड आउटडेट हो जाता है। एनालिटिकल मेथड कैन नो लॉन्गर कॉम्पीट विद न्यूअर एनालिटिकल मेथड्स लीडिंग टू डेथ ऑफ द करंट एनालिटिकल मेथड। इसकी एग्जाम्पल्स हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, विच वॉज रिप्लेस्ड बाय हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और गैस क्रोमेटोग्राफी। इसी तरह मैनुअल टाइट्रेशन मेथड्स, जिनसे कि ऑटोमेटिक टाइट्रेटर्स और पोलरोमेट्रिक मेथड्स ज्यादा रिलायबल रिप्रोड्यूसेबल हैं, वो भी अल्टीमेटली डाइड डाउन। इवेंचुअली नई टेक्निक्स जैसे कि एडवांस मास स्पेक्ट्रोमेट्री आ सकती हैं जो बेटर, फास्टर सेंसिटिविटी एनालिसिस कर सकें और जिनको लैब्स अडॉप्ट कर लें, जिससे गैस क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल खत्म हो जाएगा, लीडिंग टू डेथ ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी एज वेल। यहाँ गौरतलब बात यह है कि स्टेप्स 1, 2, 3 और 5 एनालिटिकल केमिस्ट्री का मेन हिस्सा कहलाते हैं, जबकि स्टेप 4 को हम केमिकल एनालिसिस कह सकते हैं। सो डेवलपिंग न्यू टेक्निक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स टू फर्स्ट सेपरेट एंड देन क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली मेजर द कॉम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट्स इन अ सैंपल इज कॉल्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री। बट to actually determine the composition of elements in a given sample is called chemical analysis of that sample. मेरे प्यारे दोस्तों, analytical chemistry में develop की गई techniques pharmaceutical, food, chemical, agriculture, quality testing labs और दूसरी बहुत सी industries में apply की जाती हैं। Pharmaceutical industry में analytical chemistry के बहुत से uses हैं, मसलन checking the quality of inorganic compounds, organic compounds, drugs and other useful chemicals. खास तौर पे analytical chemistry इस्तेमाल होती है compound की या drug की shelf life मालूम करने में,
मिलावट या इम्प्योरिटीज को आइडेंटिफाई करने में या फिर ड्रग डिसोल्यूशन स्टडीज के अंदर। इसी तरह फूड इंडस्ट्री में भी बहुत सी एप्लीकेशंस हैं। फॉर एग्जाम्पल, फूड प्रोडक्ट्स में पेस्टिसाइड्स या हैवी मेटल्स जैसे कॉन्टेमिनेंट्स की प्रेजेंस या क्वांटिटी मैयर करना, फूड आइटम्स के कॉम्पोनेंट्स जैसे विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन डिस्ट्रीब्यूशन, और ट्रेस कंपाउंड्स की प्रेजेंस इन फूड पार्टिकल्स। इन शॉर्ट, फूड सेफ्टी और न्यूट्रिशनल कंटेंट और टेक्सचर की आइडेंटिफिकेशन में एनालिटिकल केमिस्ट्री मरकजी किरदार अदा करती है। केमिकल इंडस्ट्री में बुनियादी तौर पर एनालिटिकल केमिस्ट्री का मकसद एफिशिएंसी, प्रिसीजन और सस्टेनेबिलिटी बढ़ाना है। इसकी एग्जांपल्स हैं मिनिएचराइजेशन, ग्रीन एनालिटिकल केमिस्ट्री, हाई थ्रूपुट मेथड्स, डेटा मैनेजमेंट, हाइफनेटेड टेक्निक्स और केमोमेट्रिक्स। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में भी काफी एप्लीकेशंस हैं। फॉर एग्जाम्पल, सॉइल टेस्टिंग, वाटर टेस्टिंग और हार्वेस्टेड क्रॉप टेस्टिंग, खास तौर पे फॉर टेस्टिंग पेस्टिसाइड्स और दूसरे कॉन्टेमिनेंट्स। किसी भी बिजनेस से हम जो प्रोडक्ट खरीदते हैं, पहने के कपड़ों से लेकर खाने की अशिया से लेकर मशीन्स की क्वालिटी तक, हर चीज को केमिकल एनालिटिकल मेथड से क्वालिटी टेस्ट किया जाता है और क्वालिटी क्लियरेंस मिलने के बाद ही बेचा जा सकता है। एनवायरमेंटल सैंपल्स में एयर पोल्यूशन जैसा कि लाहौर की एयर क्वालिटी, पीने का पानी की क्वालिटी और इलाकाई मिट्टी की खसूसियात, इन सब को मैयर करना सब एनालिटिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। इसी तरह हेल्थ केयर और क्लिनिक्स में एनालिटिकल केमिस्ट्री बहुत यूजफुल है। फॉर एग्जाम्पल, सीरम कोलेस्ट्रॉल टेस्ट, यूरिन कीटोन्स टेस्ट, ब्लड ग्लूकोज लेवल और दूसरे क्लिनिकल टेस्ट, उन सब में एनालिटिकल केमिस्ट्री इस्तेमाल होती है। वापस जाते हैं वही नवंबर 2023 में जहां से ये वीडियो स्टार्ट की थी, मगर इस दफा लाहौर के बजाय हमारा रुख है यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की जानिब, जहां दो अनमोल रत्नों ने बहुत ही इंग्लिश मेथड्स डिस्कवर किए जिनसे कि एक कंपाउंड के अंदर कार्बन एटम की जगह नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बहुत स्मूथ तरह से और एक्यूरेसी के साथ स्वैप किया जा सकता है। ये इतनी बड़ी डिस्कवरी है कि इससे नई फार्मास्यूटिकल्स बनाने में इनकलाब आ सकता है। पहला मेथड उन मॉलिक्यूल्स के लिए काम करता है जिनमें पहले से नाइट्रोजन एटम मौजूद हो। इसमें ओजोन के मॉलिक्यूल के जरिए एटम रिंग को खोला जाता है, यानी कि एटम रिंग को क्लीव किया जाता है और नए नाइट्रोजन एटम को ऐड किया जाता है। दूसरा मेथड उन मॉलिक्यूल्स के लिए है जिनमें नाइट्रोजन का एटम ना हो। इन मॉलिक्यूल्स में कार्बन एटम की नाइट्रोजन एटम से डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन की जाती है। इन मेथड से पहले ये कार्बन एटम की नाइट्रोजन एटम से स्वैपिंग ऐसे ही थी जैसे टाइपराइटर के थ्रू टेक्स्ट एडिटिंग करनी हो, और इन मेथड्स की वजह से इतनी आसान हो गई है जैसे कंप्यूटर से आप टेक्स्ट एडिटिंग करते हैं, यानी कि सिंपल, फ्लेक्सिबल एंड एलिगेंट वे टू सब्स्टिट्यूट नाइट्रोजन इन प्लेस ऑफ कार्बन एटम इन मॉलिक्यूल्स। तो मेरे वो दोस्त जो अनकरीब केमिस्ट्री के एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए इस वीडियो से मैंने ये एग्जाम क्वेश्चंस आइडेंटिफाई किए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन एनालिटिकल केमिस्ट्री। क्वेश्चन 2, डिफरेंशिएट बिटवीन क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशिएट बिटवीन एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड केमिकल एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द 7 इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ केमिकल एनालिटिकल मेथड। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉमन लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। आज की वीडियो इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री के टॉपिक पर थी। एनालिटिकल केमिस्ट्री की सीरीज के अगले वीडियो में क्लासिकल मेथड्स ऑफ केमिकल एनालिसिस को डिस्कस करेंगे विद अ स्पेशल फोकस ऑन कंबशन एनालिसिस। अगर ये वाला वीडियो पसंद आया और इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर केमिस्ट्री के किसी टॉपिक पर ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में टॉपिक मेंशन करें। मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए अगली दफा वो वाली वीडियोस लेकर आऊं। सो टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।